हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको गाजर का हलवा आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। इसमें मैंने 2.5 किलो गाजर और एक मिल्क मेड का डिब्बा और देसी घी लिया है। 2.5 किलो गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप मिक्सर में भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा बारीक करना हो। इस तरह से आप सारी गाजरों को छीलकर अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। मैंने इसमें 250 ग्राम चीनी ली है और मिल्क मेड लिया है, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है तो इसलिए मैंने चीनी बहुत ज़्यादा नहीं ली। ये सारी गाजर को आप कुकर में डाल लीजिए। इसमें जो है मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। आप चीनी कम भी इस्तेमाल कर सकते हो, कम खाते हो तो। और इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब घी डाल दिया है और मिल्क मेड अभी मैंने 2 कड़छी के करीब ही डाला है, बाकी मैं बाद में मिलाऊंगी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से गाजर को, घी और चीनी को मिक्स कर दीजिए कड़छी से हिलाकर। इस तरह से अच्छी तरह हिलाते जाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इस हलवे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा हिलाते नहीं रहना पड़ेगा कि गैस पर बार बार करते रहें। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके और गाजर सारी मिलाकर इसको मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से कड़छी से इस तरह से चीनी और घी को मिक्स कर दीजिए। इस तरह से अब इसको ढक्कन लगा के हम कुकर को बंद करके रख देंगे। इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। अब ये हमारी 2 सीटी आ गई है। अब इसे हम, ये देखिए, ये पूरा तैयार हो गया है। थोड़ा पानी जैसा कुछ महसूस लगे तो इसको थोड़ा गैस और चलाएंगे। अब इसमें मिल्क मेड मिलाकर, ये देखिए मैंने इसमें 1 कड़छी मिल्क मेड और डाला है। अब इसे थोड़ी देर, 10 मिनट से भी कम समय लगेगा इसे और पकाने में। ये देखिए ये पूरा तैयार हो गया। इसे हिला दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखिए ये बिल्कुल बाजार जैसा अच्छा तैयार हो गया है। आप इसको बड़े आसान तरीके से बना सकते हो। आपको ज़्यादा देर गैस पर नहीं खड़ा होना पड़ेगा। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।